टैक्स और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सोमवार को चौथे दिन भी देश भर में लाखों ट्रकों के चक्के जाम रहे, जिससे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने यहां बताया कि देश भर में ट्रकों के पहिए थमे रहे और करोड़ों रुपए के माल का परिवहन नहीं हो सका। ट्रक मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन है। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। संगठन के साथ 87 लाख ट्रक और 20 लाख बस और टेम्पो जुड़े हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद ट्रक मालिकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हालांकि इस हड़ताल से दूध, सब्जी और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भी असर पड़ा है। हड़ताल के चलते सब्जी, भाजी, घरेलू वस्तुओं पर भी असर पड़ रहा है। वहीं आम जनता को इस हड़ताल के चलते सभी चीजें महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी बात मानती है या नहीं और इसका खामियाजा आम जनता को कब तक भुगतना होगा। चक्का जाम 20 जुलाई से चल रहा है, उसका सफलतम चौथा दिन है। 3 दिनों के अंदर सरकार पूरी तरह से बदल गई है। हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। राजमार्गों पर गाड़ियों का आवागमन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जो भी गाड़ियां राजमार्गों पर खड़ी हुई है, समस्त संस्थाएं उन लोगों को भोजन वितरित कर रही है, उन्हें अच्छी पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि लेबर या ड्राइवर बंधु शहरों के अंदर है, उन्हें लंगर की सुविधाएँ दी जा रही है। सभी ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक अपनी सफलता की ओर अग्रसर है और आशा करते हैं कि आज शाम को वित्त मंत्री महोदय ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में एक मीटिंग करेंगे, जो हमें इस प्रकार की आशा है कि इस मीटिंग के बाद कितना कुछ हल हमारे फेवर में होगा। सर, चार दिन बात करें, कितना रेवेन्यू का फर्क पड़ाएगा सरकार? लगभग मैं मानता हूँ कि 15,000 करोड़ रुपये का तो डीजल के ऊपर जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। और प्रति गाड़ी 4 से 5 हज़ार रुपये प्रतिदिन का व्यवसाय करती है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 1 करोड़ गाड़ियाँ पूरे देश में खड़ी हुई है तो कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ है। एक गाड़ी 25 लोगों को प्रतिदिन रोजगार देती है। सरकार की गलत नीति के कारण वो सभी बेरोजगार हो गए हैं और जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बना है उस हिसाब से संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इसका बहुत प्रतिकूल असर जा रहा है। राजस्व का बहुत बड़ी हानि हो रही है और किसान आंदोलन जिस तरीके से सफल हुआ था उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि जब हमारा रोड परिवहन का ये आंदोलन भी सफल होगा। सर, कुछ ट्रांसपोर्ट वैसे ही आज भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसको लेकर आप किस प्रकार का एक्शन लेंगे? व्यापार इतना वृहद स्थिति में है कि हिंदुस्तान में अगर एक स्थान से कोई गाड़ी चलती है तो उसे गंतव्य तक पहुँचने में कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन भी लगते हैं। अगर आप दिल्ली से गुवाहाटी गाड़ी भरेंगे तो 13 दिन में वो पहुँचती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना बड़ा रन है साहब कि उसे गंतव्य तक पहुँचने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो इस इंडस्ट्रीज़ को रुकने में कम से कम 2 से 4 दिन लगते हैं, पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। खाद्य सामग्रियाँ, वेजिटेबल्स और जो जरूरी दैनिक उपयोगी की जो वस्तुएं हैं उन सभी का अभाव हो रहा है। और हम तो चाहेंगे कि साहब सरकार इन मांगों के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लें और जो भी जन समुदाय को परेशानी हो रही है हम उन पूरे जन समुदाय से माफ़ी मांगें।